हाय बच्चों, कल हमने पैरा वन पढ़ा द स्कॉलर्स मदर टंग का। तो अब कहानी आगे बढ़ी। अब आप अपनी बुक खोलो सब बच्चे, और जो सेकंड पैरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जहां से हमने कल छोड़ा था, वहां से आप लोग फिर से एक एक शब्द के ऊपर उंगली रखो और साथ साथ पढ़ो, तभी आपको समझ में आएगा। और ये पैरा शुरू हो रहा है आपके पेज 119 से। ऊपर की दो लाइनें छोड़ दो। That night, Birbal went quietly to the Pandit's room when he was asleep. That night का मतलब उस रात। Birbal went मतलब गया, quietly मतलब चुप चाप से या चुपके से, टू द पंडित रूम पंडित के कमरे में, व्हेन जब ही वाज अस्लीप वह सो रहा था। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। उस रात बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में चला गया जब वह सो रहा था। नेक्स्ट लाइन, ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फैदर। वह पंडित के कान में फुसफुसाया और एक पंख से उसे गुदगुदाया। फिर से, ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फैदर। विस्पर का मतलब होता है बेटा फुसफुसाना, कान में जैसे धीरे धीरे कुछ बोलना, और टिकल्ड का मतलब है गुदगुदाया। वह पंडित के कान में फुसफुसाया, विस्पर्ड, और एक पंख से उसे गुदगुदाया, टिकल्ड। नेक्स्ट लाइन, द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। अब पंडित तो क्या था, आधी नींद में सोया था, आधा सो रहा था, जाग रहा था। जब उसके कान में, अगर हम सो रहे हो तो हमारे कान में कोई खुजली करे तो हम कैसे जोर से उठते हैं ना घबरा के। यस, दिस इज द सेम थिंग। द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। पंडित आधा जाग गया, मतलब आधी नींद में था, आधा जाग गया। अचानक, सडनली, सडनली की हिंदी अचानक, शाउटेड चिल्लाना, चिल्लाया, और अपनी मातृ भाषा में शब्द चिल्लाए। फिर से एक बार, द मेरे साथ साथ पढ़ो आप भी। द पंडित half awake cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. Pandit aadha jaag gaya, achanak chillaya aur apni matribhasha mein shabd चिल्लाए।
ये हमारा दूसरा पैरा है बेटा, ठीक है। आइए एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। उस रात बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में चला गया जब वह सो रहा था। ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर। वह पंडित के कान में फुसफुसाया और एक पंख से उसे गुदगुदाया। द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। पंडित आधा जाग गया, अचानक चिल्लाया और अपनी मातृभाषा में शब्द चिल्लाए। बेटा अगर आप ये सारी इंग्लिश हिंदी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहला इसका क्वेश्चन है, वेयर डिड बीरबल गो दैट नाइट। बीरबल उस रात कहाँ गया? तो आप सबको इसका उत्तर पता है ना? एक लाइन में इसका आपको आंसर लिखना है, हिंदी नहीं लिखनी है। आगे, कॉपी दीज सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंसेस। ये वाले सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके आप उतारो और मुझे ये बताओ कि ये सही सेंटेंस है कहानी के हिसाब से या गलत है। फर्स्ट सेंटेंस, बीरबल वेंट टू पंडित्स रूम इन द मॉर्निंग। बीरबल पंडित के कमरे में सुबह गया। अब ये ट्रू है या फॉल्स है आप यहां लिखोगे। पंडित वॉज प्रेइंग व्हेन बीरबल वेंट टू His room. जब बीरबल पंडित के कमरे में गया तो पंडित पूजा कर रहा था। सही गलत ब्रैकेट के अंदर। लास्ट सेंटेंस, बीरबल टिकल्ड हिम विद अ फेदर। बीरबल ने उसको एक पंख से गुदगुदाया। इसको आप बार बार पढ़ो, तीन बार चार बार, चारों सेंटेंसेस जो है मेरे साथ साथ पढ़ो, वीडियो को पॉज करके पढ़ो, तब एक्सरसाइज सॉल्व करके होमवर्क करके आपको भेजना है। बाय बेटा।